दो दिन से नहीं खाया। यहाँ पे अंकल बता रहे हैं दो दिन से खाना नहीं खाया। चैनल मीन्स मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आ रखे हैं नदी के किनारे पे, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए निकला हूँ, मतलब ये 29 स्टेट का जो टूर कर रहा हूँ, मीन्स मिशन आत्मा शांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोर्खालैंड के लिए। तो कल से श्राद्ध स्टार्ट होने वाला, कल मेरा बर्थडे भी है तो कल से श्राद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो आज मुझे अपना जितने भी ये बाल है वो मुनवाना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, और श्राद्ध के आखिरी दिन पे मुझे उनके नाम पे पूजा भी करना है। तो आज से मतलब ये श्राद्ध का मतलब आज रात से मतलब ये चीज स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बाल वगैरह मुंडवाता हूँ, तो बाकी कल का जो प्रोग्राम होगा वो आपको बताऊंगा। तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस, कल रात को मतलब बाल वगैरह मुंडवा लिया था श्राद्ध के लिए, तो आज मेरा बर्थडे भी है। तो जो भी मतलब रास्ते में जो जितने भी मतलब बच्चे होंगे है ना, तो हम उनको खाना भी देंगे, खाना बांटेंगे। तो फिलहाल में खाना बनाने के लिए मतलब छोले और चावल बांटना है हमने। तो मैं आ रखा हूँ मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट में, मतलब ये देख सकते हो लोअल कैफे एंड किचन। तो यहीं पर हम पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको प्रिपरेशन। तो यह हमारे मिस्टर मोइन सिंह लोअल, सो मैं इन्हीं के ही रेस्टोरेंट में तो पूरा प्रिपरेशन चल रहा है अभी फिलहाल ना। तो अभी यहाँ पर कुकर में है, अभी बनेगा। अभी तो सर ने पता नहीं क्या क्या करके मतलब मुझे लेट करवा दिया। अभी बहुत कुछ बनाएंगे, अभी बहुत कुछ बनाना है। तो यहाँ पर अभी ज्यादा लेट ये उसे सिंगराना हो यार हमारे। तो ये सामान वगैरह इसमें पैक करना है हमने, टमाटर वगैरह भी कटेगा, तो अभी प्याज वगैरह भी काट रहे भाई लोग ना, तो उनको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे दो काफी अच्छे दोस्त प्याज कटिंग कर रहे हैं, तो अभी प्याज वगैरह कट रहा है। तो उसके बाद फिर छोले का ग्रेवी बनके, मतलब छोले तो पहले उबल चुका है लेकिन ग्रेवी बनेगा इसका, तो मसाला के लिए अभी प्याज कट रहा है। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। दोस्तों प्याज और टमाटर तो कट चुका है, अब ये जाएगा मसाला बनने के लिए और छोले के लिए। तो ये देखो, ये प्याज हमारा हो चुका है, 2 किलो प्याज है और शायद 1.5 किलो टमाटर होगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे मास्टर शेफ अभी चाय दे रहे हैं। तो ये बनाएंगे छोले, और यहाँ पर हमारे जो सिनेमेटोग्राफर है तुषार वो ले रहे हैं फोटो। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। तो ये लग रहा हमारा खाना 3 लोगों का, तो ये अभी हमारा खाना लग रहा, हम 3 लोग जाएंगे खाना बांटने के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी हमारे मयंक लोअल जो इस रेस्टोरेंट का ओनर है, फ्रॉम पिथौरागढ़ छोटा लक्ष्मी, दिखने में ये गोरखाली लगते लेकिन है नहीं, ये टिबेटियन है। तो ये तिब्बत से आ रखे थे मुंशारी। तो इधर देखिए थोड़ा सा का पसीना पसीना हो रखा है भाई, अकेले बना रहा हूँ यार, तुम तो झूठ बोल रहे हो। ओ भाई, तो हम लोगों ने भी भाई प्याज टमाटर हर एक चीज काटा, ये हमारे जो दो भाई है, बैठ जाइए बे। ओ इज्जत, तो थोड़ा खाना खा लेते हैं हम, तो तुम भी आओ। आएंगे यार भाई, तू जा यार भाई, तू जा रे, तू जा रे।
और ये जाएगा गरीब बच्चों के पास। जितने भी गरीब होंगे रास्ते में, जो भी हमें हमें दिखेंगे हम उनको बांटते हुए जाएंगे। तो मेरे साथ तुषार रहेगा, मिस्टर नेगी, प्रियांशु भाई हमारे रहेंगे, और जो माइक लोवाल हम मुंशहरी तो ये अभी डाल रहे हैं, तो अभी पैक कर लेते जल्दी जल्दी, फिर हम निकलते हैं। फाइनली गाइस हमारा फूड हो गया पैक, तो हम उल्टा बोल रहे हो, तो ये हमारा पूरा पैक हो चुका है, तो ये पूरा नीचे पैकेट है, इसमें है, और ये पूरा खत्म हो चुका है, और इधर भी थोड़ा सा चावल बची है, वो रात में खाएंगे हम सब मिलके। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम निकलने के लिए रेडी है, तो पीछे वाले में है हमारे दोस्त पीयूष भाई और हमारा सांडा भाई मतलब राहुल उर्फ राहुल, और यहाँ पर हमारा है सांप उर्फ तुषार। तो अब हम जा रहे हैं खाना बांटने के लिए, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। फाइनली अब यहाँ से तो हम निकल चुके हैं, आप देखते हैं रास्ते से हम खाना बांटते बांटते जाएंगे, मिलेंगे लोग मिलेंगे हम बांटते हुए जाएंगे। तो ये है हमारा खाना, वो जा रहा है पूरा। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो अब यहीं से जो हमने मतलब छोले चावल बनाए बना रखे हैं यहीं से मतलब स्टार्ट करेंगे बांटना। तो ना पहला शुरुआत नीचे के खुल गया था अभी, कोई बात नहीं खाओ चम्मच। तो भाई क्या गर, कितना गर्म हो रखा भाई, बैग है ये मजाक पूरी नहीं, बैग में गर्म ही रखा है। तो चलो ले आओ आप बैग, वहीं से बांट लेंगे आप। दोस्तों ये पहला हमारा मतलब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं, मतलब ये आज से श्राद्ध भी स्टार्ट है, और ये जितने भी हमारे गोरखालैंड के लिए अमर शहीद हुए थे उनके नाम पे आज खाना बांट रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। यहीं पर रख लेते यार, यहीं पर रख लेते, यहाँ पे कोई नहीं देगा। बेहर का खा लिया अभी, खाओगे? अंदर आ चुके हैं, तो आज बर्थडे भी है और श्राद्ध भी, तो जिनके नाम पे मैं मतलब ये आज खाना बांट रहा हूँ है ना, काफी अच्छा लग रहा है। बाकी टॉपिक स्टेट है, बस तो ये है तीनों हमारे लड़के, तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर अगर कुछ लोग बैठे होंगे फुटपाथ पे, फुटपाथ पे तो वहाँ पर भी बैठे होंगे, तो मतलब वहाँ पर भी दे देंगे। हमने भी बहुत सारे औरत भी देखे थे वहाँ पे, लोग भी देखे थे बेचारे ऐसे बैठे हुए थे, तो देखते हैं कि वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, पहले पूछेंगे है ना, फिर मिलते हैं फिर।
दो दिन से नहीं खाया। यहाँ पे अंकल बता रहे हैं दो दिन से खाना नहीं खाया। कैसे कैसे हो यहाँ पी का? एक डब्बा और दे दे यार। हाथ मत छोड़ो। इसका जन्मदिन है, इसे आशीर्वाद दे दो। मेरा जन्मदिन है, ठीक है? ठीक है, ये अभी खा लेना, एक और दे दू। नहीं नहीं बस हो जाएगा। आप रेत के भी हाथ पैर भगवान इन लोग को एक अच्छा करते। बैठ जाइए। इधर आना मिस्टर को, प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई दे दो। मतलब वो जो जो ऊपर वो रखा ना, वो ये कर दू। तो दोस्तों, हेलो, रेलवे स्टेशन तो हमने कवर कर लिया है ना। अब थोड़ा सा राजपुर रोड होते हुए हम जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बचा हुआ है वो खत्म करके फिर हम जाएंगे घर वापसी। तो काफी अच्छा लग रहा है एक पुण्य काम करने में। तो तब तक बाकी स्टे ट्यून। हो गया फिलहाल, यहाँ पर भी हमने मतलब हर चीज कवर कर लिया है, यहाँ पर भी भाई लोगों ने दे दिया है। तो अब हम जाएंगे सीधे फाइनली दोस्तों हमने मतलब मैक्सिमम तो बांट दिया है। दो दिन बचे तो दो दिन तो मतलब हम दोस्तों में बांट के खा लेंगे। तो मैक्सिमम मतलब जितना भी हुआ अच्छा लगा। कैसा लगा है ना? प्राप्त होगा तो बाकी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर एक चीज मतलब प्लान के अनुसार हुआ कि मतलब इस तरीके से जाएंगे। तो भाई लोगों ने काफी सपोर्ट किया। तो बाकी अभी माइंड से भी हम बाद में मिलेंगे, फिलहाल अभी तो मैं घर जा रहा हूँ। तो तब तक स्टे ट्यून। फाइनली गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, काफी अच्छा लगा। बर्थडे भी था आज, और जिनके नाम पे श्राद्ध किया उनके नाम पे मैंने खाना वगैरह बांटे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जिन पे। और जिन लोगों ने डोनेशन किया, सो वो डोनेशन भी कहीं ना कहीं मैंने वहीं पर यूज़ किया। तो
उनका जो मेरे ऊपर मेरे लिए डोनेशन दिया था थोड़ा वहाँ पर भी यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक्सपीरियंस, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिला, मतलब दिल में संतुष्टि है, मतलब एक कि हाँ यार ज़्यादा नहीं है तो मैं कुछ तो कर पाया करके। तो बाकी होप इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।